गुड मॉर्निंग गाइस, और कैसे हैं आप लोग? एंड आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो है आज फ्राइडे द 25th, और यहाँ पे लगी हुई है घमासान किस्म की सेल्स। तो मिट्टी है ड्यूटी पर, तो ये मूछों को इग्नोर करें, आपको मालूम है मैंने एक बार ही करवानी है। तो मिट्टी है ड्यूटी पर, और मैं पहले उनको कहा था कि आप जब आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी, लेकिन फिर ऐसी सेल्स में ये होता है कि शाम तक फिर कचरा ही बच जाता है। तो अभी मिट्टी काफ़ी बिजी है, मैं कब से उनको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ बताने के लिए कि आप सीधा मॉल में ही उतर जाना, लेकिन बिजी है काफ़ी। तो इसलिए मिट्टी फ़ोन नहीं उठा रहे, आंसर नहीं कर रहे। ठीक है, मसरूफियत होती, लेकिन आपको एवरी नाउ एंड देन एक बार अपना फ़ोन चेक करना है। पहले मैंने उनको मैसेज किया जब मेरा प्लान नहीं था, मैंने उनको मैसेज किया कि मैं क्या खाना बनाऊँ, तो कोई रिस्पांस नहीं, सब गए हुए हैं बाहर। तो मैंने कहा मैं फिर अभी पागल हूँ, ना कोई जवाब दे रहा है ना कुछ करा। अंडरस्टैंड बिजी है वो, पर फिर भी देखना चाहिए कि घर पे बीवी है तो ज़रूरत पड़ सकती, क्या कोई मैसेज वैसेज ही आया हो। तो फिर मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया कि मुझे लेकर मुझे जाना है, एक मिनट। तो हुआ ये है कि ये दोनों बहुत एक्साइटेड है, उनको ऐसे लग रहा है कि मैं पहले मैं जब ड्रेसअप हुई थी तो उनको पता था कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो फिर अभी तक मेरा ड्राइवर नहीं आया था तो फिर मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए, किचन वगैरह साफ़ मैंने कर लिया, बर्तन वगैरह मैंने धोए। तो फिर मैं जब वापस अंदर आई हूँ, उनको लग रहा अरे बाप रे वापस आ गई, नहीं जा रही कहीं। तो अब ये प्लान है, मैं अभी अपने ड्राइवर का वेट कर रही हूँ, वो आधे घंटे में आ रहा था, तो बस आई थिंक सो 10 मिनट्स रह गए हैं तो वो आएगा। तो फिर मैं जाऊँगी मॉल और फिर देखते मैं क्या क्या लेती हूँ। तो मैंने अब लगा ली है अपनी सेल्फी स्टिक और मैंने अपने ये खोल लिए हैं, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है जब मैंने जूड़ा बनाया होता मैं कैमरे में कथे बसुरी लग रही होती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज ऐसे कर लेते हैं। और मैंने स्टिक भी लगा ली, क्योंकि आपको याद होगा जब हम लोग ड्रैगन सिटी गए थे तो मैंने एक स्टिक ली थी, और मिट्टी कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं यूज़ वो कर रही, गेट यूज़ टू इट, क्योंकि आगे जब हमने ट्रैवल करना, माय ट्रैवलिंग ब्लॉग में हम लोगों ने इसी को इस्तेमाल करना है। मगर मुझे ना यहाँ पर वियर्ड लगता है स्टिक लेके जाना, इवन तो काफ़ी लोग यहाँ पर हमें पहचाने लग गए हैं, देनो कि अरे आप लोग वही हैं ना जो व्लॉग्स बनाते हैं, शमोनिका, अब उन्हें बड़ा अजीब सा ये लोग प्रोनाउंस करते हैं, शमूना। तो मैं भी उनको एक्सप्लेन करती हूँ, बेसिकली मेरा नाम अनिका है और शमाउन इनका नाम है। तो मैंने हम दोनों का नाम जोड़ के एक नाम बनाया, शमोनिका ऑप्सी डेजी, तो शमोनिका मैंने बनाया। तो थैंक यू लोगों का जो हमें अक्सर मिलते हैं और फिर हमसे रबते में भी रहते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, वो भी पाब्लो बहुत मस्ती कर रहे हैं, और ये स्टिक पकड़ने में मुझे अभी आदत डालनी पड़ेगी इस चीज़ की, क्योंकि फर्दर व्लॉग्स जो हमारे हैं वो इसी कह रही, क्योंकि वो प्रॉपर देखिए ये एंगल दिखता है, और लाइक आपको पता चलता है मैंने क्या ड्रेस पहना हुआ है, पीछे का आपको क्लियर व्यू मिलता है एंड एवरीथिंग। तो आज मैं मॉल में भी, लेकिन ये स्लिप ऐसे हो रही है तो मॉल में भी मैं यही लेके जाऊंगी, लगता है बाहर कोई आए, क्योंकि जब बाहर कोई आता है वूफी ऐसे आता है, ये देखिए वूफी को। तो मैंने कपड़े धोने के लिए डाले हैं, और ये वूफी का ब्लैंकेट है, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ये ब्लैंकेट धोऊँ, लेकिन ये बच्चा है कि ये मुझे हाथ ही नहीं लगाने दे रहा, क्योंकि बेसिकली जब मिट्टी होते ना तो तब ये प्रॉपर कंट्रोल होते, मिट्टी के बगैर मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, अकेले मैं बिल्कुल नहीं। और आप यकीन करें जब मैं अकेली घर पे होती हूँ तो मैं बाहर का काम भी इतना नहीं कर रही होती, किचन में कम जा रही होती हूँ, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में अब नहीं है। तो चले मैं अपने ड्राइवर का वेट कर रही हूँ, देखती हूँ वो किधर तक पहुँचा है। वो ड्राइवर साहब 3 मिनट की दूरी पर हैं और इन दोनों का पता चल गया है, तो वो फीका रोना धोना शुरू हो गया है कि क्यों जा रही है, पर क्या ही कर सकते हैं हम लोग, काम तो करने हैं ना। अभी इनको आदत डालनी है हमें कि हम लोग अवे रहेंगे काफ़ी देर तक एंड स्टफ लाइक दैट। ये देखिए मेरा वो फल, मेरा पाबल, आज इनका नहलाना भी है, ये पापा का बेटा है, ये मामा का बेटा है। तो जी मेरे ड्राइवर जी आ गए हैं, बच्चों को जब छोड़ कर आती ना मेरे दिल को ना बड़ा होता है कसम से, लेकिन अभी फिर ज़रूरी चीज़ें वो वाइंड अप करनी है। तो
ये मेरा लुक है कुछ, मैं जूते सही से पहने ही नहीं, तो ड्राइवर मेरे नीचे आ चुके हैं, तो देखिए मिट्टी ने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा। एंड आई एम श्योर वो बड़े अपसेट होंगे, अरे कुछ बना ही लेती है वो है, तो मैं क्या बनाऊँ अभी, तो ये चीज़ें मुझे वाइंड अप करनी है, तो इसलिए क्योंकि मिट्टी का जैसे आपको मालूम है छुट्टी एक्स्ट्रा अप्रूव नहीं हुई, मेरी हुई है, सो आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू डू एवरी थिंग, तो साथ बनी रहिएगा। मैं गाड़ी में गाइस बैठ चुकी हूँ और भागम भाग में ही होता है, तो अभी नज़दीक ही है घर के, तो मॉइस्ट कर ले। तो बच्चों को छोड़कर आई हूँ और मुझे बड़ा फील होता है, मैं उनको खैर नाश्ता वाश्ता तो करवा दिया था, उनका ड्राई फ्रूट जो होता है हमेशा हम लोग डाल के रखते हैं, और इवन उनका खाना भी हम लोग एक बाउल एक उनका बर्तन है, तीन उनके बर्तन पड़े होते हैं जिसमें एक ड्राई फ्रूट और एक में उनका कोई चिकन बॉयल या गिजर्ट्स या जो भी हम लोग उनको दे रहे होते हैं वो भी होता है अंदर, और फिर एक में पानी फ्रेश वाटर वो सब मैं देकर आई हूँ। तो फ्राइडे के दिन मैं ज़रा थोड़ी सी लेज़ी टाइप ही होती हूँ, वैसे भी लेज़ी ही रहती हूँ, तो अभी जा रही हूँ मैं ऐसे स्मॉल, ज़्यादा चीज़ें नहीं मैंने लेनी, बस थोड़ी बहुत हैं जो लास्ट मिनट में रह जाती हैं, तो सिंस अगर आधी कीमत में मिल रही है देन व्हाई नॉट। सो गाइस दिस इज़ बहरीन सेल, जिसको कुछ लोग ब्लैक फ्राइडे वाइट फ्राइडे नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम लोग जा रहे हैं उधर। हवा चल रही थी बाल भी, तो दिस इज़ वॉट इट्स ऑल अबाउट, इट्स लेट्स टेक सम, सबसे पहले कॉफ़ी फिर काम दूजा। मिट्टी ने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा, आप लोग को देख लिया आदमी की तलाक कर रहा है, तो सबसे पहले मैं लूँगी कॉफ़ी, ऑफ कोर्स माय स्टारबक्स, मैं कॉफ़ी लूँगी और फिर शॉपिंग की जर्नी शुरू करेंगे हम। So guys, this is what they have for the tree. They're hanging it so cute. Do you guys are serving Christmas cups, right? Yes, ma'am. Okay, we are in the season, guys. Yeah. So my coffee is getting. Thank you so much, sweetheart. So my coffee is getting ready. आप लोगों को मालूम है कॉफ़ी कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीछे लोग हैं, मैं नहीं बना सकती ज़्यादा, तो मैंने कॉफ़ी अपनी ली है, तो थोड़ा सा बैठ के तो कॉफ़ी पीऊँगी और फिर मिट्टी का वेट करूँगी या मैं खुद ही चले जाऊँगी शॉपिंग करने कॉफ़ी के बाद। यहाँ एक्चुअली मैंने अपनी ट्रॉली भी चेंज की क्योंकि उसके अंदर कप होल्डर नहीं था, तो ये रही मेरी कॉफ़ी, तो मुझे लिफ्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्सीलेटर्स पे नहीं जाती ट्रॉली, सो इट्स ओके आई कैन टेक अ लिफ्ट। तो देखते कौन सी लिफ्ट आती है, ये लकड़ी के दरवाजे नहीं, इसका स्टिकर ऐसा बना हुआ है, लेट्स सी कौन सी आती है, क्योंकि रश बहुत है तो लिफ्ट्स भी जो है वो देर से ही आती हैं, तो अब वो आ रही है, तो ये दरवाजे लकड़ी के नहीं स्टिकर है, उन्होंने लुक इस तरह से दिया हुआ है, तो चले चलो चलें। जब यहाँ पे भी लोग बड़े बियर्ड होते हैं, औरतें थी उनका आ जाए, वो नहीं आना मांग रही थी, ओके वट एवर मेक्स योर पॉट रॉक। तो ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हूँ, तो मैं पहले चीज़ें देखूँगी और फिर जब मिट्टी आएंगे मैं चीज़ें देख के पिक्चर्स दे लूँगी, फिर जब मिट्टी आएंगे देन आई एम गोइंग टू बाय। अब पता नहीं मोनिका लोग निकल चुके हैं कि नहीं निकल चुके, तो वैसे वो लोग भी इधर ही थे सुबह के, इट्स लाइक 40% ऑफ एंड एवरीथिंग, ये देखे यहाँ पे 70% ऑफ लगी हुई है, तो मुझे घर के लिए कुछ और चला आपको क्रिसमस का दिखाते हैं। ये देखिए इन्होंने छोटा सा इधर क्रिसमस कॉर्नर बनाया हुआ है, देखें और पर हम लोग इस बार क्रिसमस पे इधर नहीं होंगे, बट इट इज़ ब्यूटिफुल। ये इन पे क्रिसमस आइटम्स पे भी इन्होंने सेल लगाई हुई है, सो वाओ इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और पता है हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम साथ लेके भी नहीं जा सकते, जबकि ये बहुत प्यारा प्यारा मुझे लग रहा है, इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, सो ब्यूटीफुल।
और बहुत कम प्राइजेस में लगाए हुए हैं। ऑफ आई एम मिसिंग मिट्टी सो मच, आई एम मिसिंग एम सो मच, कि मिट्टी को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। गाइस देखिए कितना खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम है, लेकिन मुझे लव हार्ट्स मुझे चीज़ें नहीं बिल्कुल पसंद, बट इट्स वेरी प्रिटी। और सिर्फ 2.1 का है सिर्फ ये, और ये भी बहुत प्यारा। लेकिन पता है कि हमारे रूम में इतनी जगह नहीं है और हॉल में भी हमारे पैसेज कोई नहीं है। ये देखो पाकिस्तान में कितने आम मिलते हैं, तो ओवरऑल पूरे स्टोर में सेल लगी है। हाँ, मैं इस चीज़ के लिए आई हूँ स्पेशली इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग ये रूम में बहुत चलाते हैं। मुझे लाइफस्टाइल की ज़्यादा पसंद है। अभी मैं सिर्फ देख रही हूँ, क्योंकि जब मिट्टी आएंगे तब मैं एक्चुअल में चीज़ें लूँगी। कॉज आई डोंट वांट, तो पता वो बड़ा फील करती हैं कि उनकी छुट्टी नहीं थी और उन्होंने कितनी चीज़ें मिस आउट कर दी। तो ये होती हैं रूम्स के लिए, एंड आई लव कैंडल्स। मैं अब निकल चुकी हूँ होम सेंटर से, मैं सोचूँ पहले बैठ के कॉफ़ी पी लेती हूँ आराम से, फिर जाके चीज़ें देखती हूँ। तो मुझे वैसे स्टारबक्स पे ही बैठे रहना चाहिए, तो मगर अब मैं ऊपर आ गई तो यहाँ पे बेंचेस भी हैं, इस तरह से बेंचेस हैं, मैं इधर बैठ के कॉफ़ी पी फिर देखते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें देखनी है, लेनी है, क्योंकि अभी तो लिमिटेड पैसे हैं, तो जितने मैं मैनेज कर सकती हूँ उसमें लेने के मैं ले लूँगी। और क्योंकि फिर इसमें होता ये है कि आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि सैलरी जाने में भी थोड़े से दिन बाकी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जितने हैं उसमें जितना हो सकता मैं ले लेती हूँ। तो आज चलो करते हैं बजट शॉपिंग, ठीक है। मेरा गोल है कि मैं 20BD में, 20BD ये बनते पाकिस्तान के आई थिंक सो 8,000-9,000 तक, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं होते, तो 20BD में मैं कितना सामान ले सकती हूँ इस सेल में। क्योंकि मेरे लिए सेल वही है जब आप कम पैसों में चीज़ें ले सको। इतने ज़्यादा पैसे फुल प्राइस में अगर चीज़ें आप लो तो सेल किस बात की। तो मैं मिट्टी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि हम दोनों की जब से शादी हुई ना, हम दोनों कभी भी अकेले कहीं नहीं गए, हम दोनों हमेशा साथ साथ ही रहे। जबकि वो मुझे सुबह से कहते कि तुम चली जाती, तो मैंने कहा मिट्टी आपको मालूम है मुझे मज़ा ही नहीं आता आपके बगैर, तो चले अभी मैं आ तो गई हूँ। मैं तब पछता रही हूँ, मिट्टी का वेट ही कर लेती। लेकिन पता, मैं घर में बहुत अकेली थी और मुझे बड़ा फील हो रहा था और बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं चली ही जाती, थोड़ा सा कॉफ़ी शॉफ़ी पीती हूँ। तो या फाइनली मेरी मिट्टी से बात हो गई है। वो काफ़ी बिजी हैं क्योंकि कोई इवेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था, एक मशीन है जो सिर्फ मिट्टी ही ऑपरेट कर पाते हैं और किसी को वहाँ पे ऑपरेट करनी नहीं आती, तो वो उसमें बिज़ी थे। तो वो कह रहे कि तुम आना ही नहीं चाहिए था। मैंने उनको बताया मैं इतनी बोर हो रही थी तो इसलिए मैं आ गई। तो मैंने उनको कहा कि मुझे, वो कह रहे कि बल्कि तुम ख़रीद के चली जाओ, तुमने जो लेना है। मैंने कहा नहीं, आपको मालूम है मैं आपके बगैर नहीं ये सब चीज़ करती, तो आपका मैं वेट करूँ, आई एम हैविंग कॉफ़ी और आई विल वॉच समथिंग ऑन यूट्यूब और एनीथिंग, तो फिर आप आ जाओ ना, फिर हम लोग शॉपिंग शुरू करेंगे। कॉफ़ी भी तनिका अच्छा, मुझे तब ये चढ़ रही है। देखिए मैं समझी थी, मैंने आप लोगों के सामने पूछा क्रिसमस कप आप कर रहे हो, तो कह रही थी हाँ, तो क्रिसमस नहीं है ये, फुटबॉल का इन्होंने, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है आप सबका मालूम है, तो उन्होंने इस कप में मुझे दिए। पर इट्स ओके, काफ़ी तो काफ़ी है। तो मिट्टी से मेरी बात हुई है, अभी देखो मैं इधर बैठ के कॉफ़ी पी रही हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दो मिली हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई कमेंट भी कर दिया करो, तो वो कैमरा फ्रेंडली नहीं थे तो इसलिए मैंने उनके साथ वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने मेरे से पिक्चर ज़रूर ली है, तो अच्छा लगा। यानी आप लोग देखते हैं, अगर आप ये ब्लॉग देख रही तो आपको मालूम है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मेरे बाल ऊपर बन चुके हैं, तो इससे आप लोग हिसाब लगाना चाहिए कैसी अन्नी सेल लगी है। तो आ गया मेरा बेबी मिठी, आ गई मिठी, हेलो बोलो सबको। सब ठीक है अब हगल। मैंने आज जैसे आपको व्लॉग के शुरू में बताया था, आज हम करेंगे बजट शॉपिंग, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है, क्योंकि सैलरीज आने में टाइम है। तो मैंने मिठी को कहा कि जो हमें सस्ती चीज़ मिल रही है ले लो बस। हम लोगों की शॉपिंग ख़त्म हो चुकी, मेरी तो कम्प्लीट हो चुकी है, मिठी ने अब तक, यानी मिट्टी ने कुछ भी नहीं लिया। तो
तो उनके लिए ऑनलाइन लेंगे, तो मैंने अभी ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर आ रहा है, तो फिर हम घर जाएंगे, खाना खाएंगे। मिठी रहे, ये मिठी को कुछ पसंद नहीं आया, बहुत मुश्किल होता है मिठी के साथ शॉपिंग करना, यानी कि आप इतना खिंचोगे ना इसके साथ शॉपिंग करते। तो मैंने उनको कहा कि चलो ऑनलाइन मिलेगा, मैं आपके लिए ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी, पर मेरा सब कुछ हो चुका है। सॉक्स मुझे इतनी ज़रूरी नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी भी बहुत सॉक्स है, मैंने ड्रैगन सिटी से भी लिए थे, तो मेरा एवरीथिंग इज़ डन। फिर से स्टिक पकड़ के मैं बना रही हूँ, तो मैं मिट्टी को बता रही थी कि इस तरह से उधर पता नहीं ड्राइवर किधर है, पता बच्चे। अब मुझे याद है कि मैं लाइट्स ऑफ करके आई थी कमरे की, क्योंकि मैंने खिड़की खोली हुई थी, तो अभी अंधेरा पड़ रहा है। और मुझे देखो ना, ये टेढ़ा होता है मेरे से, तो बस अभी हम जा रहे हैं घर, जाके खाना बनाएंगे हम लोग, और बच्चों का भी खाना बनाएंगे, और फिर हम लोग खाना खाएंगे, तो मिलते हैं घर पे। गाइस हम लोग आ गए हैं, तो अपडेट ये है मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी, और मैंने मटन भी चढ़ा दिया है, बिरयानी भी। अरे मिट्टी, मेरे नाक पे दाना निकल रहा है, और ये बहुत बड़ा कल्प्रेट है। इतनी हालत देखो कैसे गंदी हो रही है मिट्टी, ना करना मिट्टी ने इसको छेड़ते, ताकि फिर ना वो भूंगे। देखा, ये गटर वाला कुत्ता है, गटर वाला कुत्ता। मिट्टी पकड़ा, मैं व्लॉग बना रही हूँ। आप तो मैंने की है थोड़ी सी शॉपिंग। अच्छा मिट्टी, आप मैंने आपको कह रही थी ना मेरा सब कंप्लीट हो गया, रूम स्लीपर तो और हाउस स्लीपर तो मेरी अभी तक बाकी है, तो बाकी मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, वो दिखा नहीं मैं सकती शॉपिंग जो मैंने भी की है। हाँ नहीं, कुछ मैं दिखा सकती हूँ तो मैं दिखाऊंगी। तो मटन बिरयानी की मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाता, जबकि मिट्टी कह रहे थे कि तुम एक अलग करके व्लॉग अपलोड कर लेना। मैंने कहा जो इतनी मेहनत से करती हूँ वो नहीं लोग देखते, तो चलो बार खा लो, कि किसी को चाहिए कि रेसिपी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। उससे पहले मिट्टी लोगों को ट्राई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू टेल मी हाउ इट इज़। सही है। हेलो, हाय गाइस, सब कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अभी हम लोगों ने बिरयानी खाई थी थोड़ी देर पहले, और वफ़ी मुंह बंद किया कर जब बात कर रहे होते, तो बिरयानी वगैरह खाई थी। अभी मामी लोग आए थे, उनके साथ थोड़ा बैठे, उन्होंने भी खाई है बिरयानी वगैरह। तो अनिका की तबीयत कह रही थी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, ख़राब मतलब सर में दर्द है, तो जागी हुई है सुबह से, तो अभी वो भी रेस्ट में है, कह रही मैं सोने लगी हूँ, तो उसने टैबलेट खाई है, सो गई है। तो मैं भी अब सबको टाटा बाय बाय करने लगा हूँ, कल मिलते हैं नई चीज़ों के साथ, नए व्लॉग के साथ। जी ओके, गुड नाइट। ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।